हाय गाइस एंड वेलकम टू ऑटो गेयर इंडिया। तो आज हम टाटा 4825.t के BS6 टिपर के बारे में बात करेंगे। ये टाटा का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टिपर है और सबसे बड़ा टिपर भी कह सकते हैं आप इसको। ये 16 व्हीलर टिपर है टाटा का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, इसकी प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी वारंटी और इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं जो आपके लिए नेसेसरी है वो सारी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी तरह ट्रक पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आप आगे भी BS6 वीडियोस देख पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्राइस से स्टार्ट करते हैं। जो इसकी एक्सशोरूम प्राइस है वो अराउंड 52 लाख के समथिंग इसकी एक्सशोरूम प्राइस है और जो इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 47,500 को लेकर इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है। वहीं पे इसके अंदर आपको 6 ईयर और 6 लाख किलोमीटर की ऑन ड्राइव लाइफ वारंटी मिलती है। अब इसके कैबिन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको एज इट इज सिग्ना कैबिन मिलता है इसके अंदर, ये स्लीपर कैबिन मिलता है और यहाँ पे फ्रंट में आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं प्लस 3-पीस बम्पर इसके अंदर आपको टाटा प्रोवाइड करती है। प्लस ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं आप मिरर मिलता है प्लस लाइट्स भी मिलती हैं। ये इसका हैंडब्रेक लीवर, ये इसके पेडल्स, ये इसका पावर स्टीयरिंग, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो काफ़ी शानदार दिया है टाटा ने यहाँ पे। यहाँ पे एक आपको बीच में MID मिलता है जो कि गियर शिफ्ट एडवाइज़र प्लस और भी बहुत सारी चीज़ दिखाता है, कितना आपके पास फ्यूल है, कितना AdBlue है, तो सारी चीज़ यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। प्लस ट्रिप भी दिखाता है कितनी आपने ट्रिप की है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड किया है। प्लस यहाँ पे आपको मल्टी फ्यूल स्विचेस मिलते हैं यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी के लिए, और टाटा इसके अंदर आपको हिल स्टार्ट असिस्ट भी प्रोवाइड करती है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड की है। और ये AC टिपर है तो इसके अंदर आपको AC मिलेगी। और दोस्तों बहुत लोगों ने बोला था कि एक स्लीपर कैबिन देना चाहिए टाटा को टिपर्स के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लीपर कैबिन के साथ आता है। यहाँ पे पूरा शानदार आपको स्लीपर कैबिन मिलता है, तो जिसको शिकायत थी स्लीपर कैबिन के साथ वो आपको मिल जाएगा। ये इसका गियर नॉब लीवर 9-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, ये G1150 गेयरबॉक्स मिलता है इसके अंदर। अब दोस्तों इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 6.7 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 6 सिलेंडर इंजन है। ये मैक्सिमम 250 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 2300 RPM पे और 950 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1000 से 1700 RPM पे। टॉर्क तो आपको बहुत ही शानदार मिलता है इसके अंदर, 1000 RPM से आपको टॉर्क मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो पावरफुल तो बहुत है ये ट्रक। और वहीं पर जो इसका व्हील बेस है वो 6750 mm का व्हील बेस है। यहाँ पे आप एक बार इसका ओवरऑल लुक ले सकते हैं। अभी आपको कैबिन और चेचिस में मिलेगा और चेचिस में आप इसके अंदर बॉक्स बॉडी ले सकते हैं और 29 क्यूबिक मीटर की इसके अंदर आपको बॉक्स बॉडी मिलती है, तो जो बॉक्स बॉडी है वो भी काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा टिपर है, मेरे को बहुत ही दूर जाना पड़ा इसको पूरे फ्रेम में लेने के लिए। अब इसके टायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 295/90R20 के टायर्स मिलते हैं और वहीं पर 11R20 के फ्रंट में टायर्स मिलते हैं। ये इसके टायर्स देख सकते हैं आप, जेके टायर के अंदर आपको इसके टायर्स मिलते हैं जेके टायर के। ये इसकी बैटरी कट ऑफ स्विच और बैटरी स्पेयर व्हील। ये बैटरी कट ऑफ वाला सिस्टम हर कंपनी ने बहुत ही शानदार दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका BS6 सिस्टम। ये इसका फ्यूल टैंक और AdBlue टैंक। यहाँ पे आपको 365 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और 300 लीटर का भी मिलता है, वो डिपेंड करता है आप लेंथ कौन सी लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 300 और 365 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और जो फ्यूल टैंक है वो एंटी फ्यूल टैप्स के साथ आता है, पॉलीमर टैंक मिलता है इसके अंदर आपको। अब इसके फ्रंट एक्सल के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रंट में आपको फोर्स आई बीम रिवर्स इलियो टाइप मिलता है और सस्पेंशन मिलता है वो पैराबोलिक लीव स्प्रिंग मिलता है फ्रंट के अंदर। यहाँ पे आप एक बार ओवरऑल लुक ले सकते हैं इसका। अब इसके रियर एक्सल के और रियर सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको रियर में दोस्तों सिंगल रिडक्शन हाईपॉड गियर्स फुली फ्लोटिंग एक्सल मिलता है और वहीं पे आप सस्पेंशन की बात करें तो जो सस्पेंशन है वो आपको बोगी सस्पेंशन या फिर आप ऑप्शन में सेमी इलेप्टिकल लीव स्प्रिंग सस्पेंशन भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हैं।
ये देख सकते हैं। और वहीं पर अगर आप इसके फ्रेम की बात करें तो इसके अंदर आपको लैडर टाइप स्ट्रेट फ्रेम मिलता है, और ये बहुत ही शानदार चीज़ यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड की है। यहाँ पे मड वगैरह के लिए मड गार्ड्स लगाए हैं, और यहाँ पे रियर में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और किसी ट्रक की या फिर टिपर की वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।